Espavar is the luckiest player as he has played for the best teams such as Blind, Godlike, and now he's playing in Seoul. What do you think? Look, first of all, SCTUL में वो आ गया एंड वो एक सपना होता है सबका, गॉडलाइक में जाना एक सपना होता है, उसने सारे सपने जिए, बट वो लकी नहीं है मेरे दोस्त, वो खेलता वैसा है। एस पावर अभी का बेस्ट प्लेयर है, इसमें कोई शंका नहीं है, उसने BMPS में MVP जीता है, ही इज द टॉप फ्रैगर इन BMPS, एंड अगर वो किसी अच्छी लाइनअप में जा रहा है, वो अच्छी ऑर्ग में जा रहा है, वो लक नहीं है, वो 4-5 साल से खेल रहा है इस गेम को, 4-5 साल ज्यादा बोल दिया क्या, भाग गया था मैं, सॉरी, 3-4 साल से खेल रहा है वो इस गेम को, तो अगर वो मेहनत कर रहा है, अगर वो डेडिकेशन से खेल रहा है और उसको लाइनअप में लिया जा रहा है, ऑर्ग में लिया जा रहा है, तो इट्स नॉट लक, लक नहीं कह सकते आप इसको। लाइक जब वो ग्लोबल स्पोर्ट्स के अंदर थे तो फैंस का इतना प्रेशर नहीं होता था, जब वो ब्लाइंड के अंदर थे आई डोंट थिंक फैंस का इतना प्रेशर था, बट टीम सोल के अंदर वो फैंस का प्रेशर जरूर आपको देखने को मिलेगा, तो मजा आएगा यार, इट्स गोइंग टू बी अ फन अपकमिंग ईयर 2024, बहुत ही क्रेजी होगा। अब मैं वेट कर रहा हूँ रेवेनेंट का अनाउंसमेंट कब आएगा, एक्सपाक का अनाउंसमेंट कब आएगा, और कोई टीम अगर अनाउंसमेंट करना चाहती है तो मजा आएगा, इट्स गोइंग टू बी सो मच फन। व्हाट डू यू गाइस थिंक, मायावी को IGC के क्यों सपोर्ट कर रहा है? I mean, if you're in Seoul, तो you'll get support. Plus, Mayavi deserves support, yeah. Don't you guys think? So, as a coach, जो उसने काम किया है वो अच्छा नहीं है, ब्लाइंड के साथ ही वन BMPS, उससे पहले जब ग्लोबल स्पोर्ट्स में था इसी सेम लाइनअप के साथ, they managed to win BGMS, और भी बहुत सारे टूर्नामेंट्स Mayavi as a coach जीता है इस लाइनअप के साथ, तो yeah, I mean.